Hello students, today we are going to discuss about the second part of chapter 4 classics history. So we are going to discuss part 2, okay, part 2 of class 6 history, and the name of this chapter is what? Books and burials. ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है? सो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने के बाद हम सेकंड पार्ट में जाने से पहले ये चीजें जानते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है, ठीक है? Let us recall what we have learned in this chapter till now. So firstly, I taught you about importance of books. Books की क्या importance है इसके बारे में discussion किया, ठीक है? Discussion हो चुका है. What are books? How are they important in our life? Okay, and what kinds of books are there in our country, in our religion that we can read? Okay, so basically book के बारे में क्या क्या पढ़ा था? कि book ये बताती है कि हमें क्या चीजें जाननी चाहिए, ठीक है? So variety of books हमने पढ़ी थी, ठीक है? पहली type of book हमने पढ़ी थी religious books, ठीक है? Religious books, ठीक है? रिलीजियस बुक्स में जितने सारे रिलीजन है इंडिया में या किसी भी कंट्री में जितने रिलीजन होते हैं उनकी एक होली बुक होती है, ठीक है? होली बुक का मतलब इन दैट बुक दे नो द वे ऑफ लिविंग, ठीक है? सो रिलीजियस बुक की डेफिनेशन क्या है? एवरी रिलीजन रिलीजियंस होली बुक, ठीक है? अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता, दीज आर द होली बुक्स ऑफ हिंदुइज्म. इफ वी टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, देन होली बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. इफ वी टॉक अबाउट सिक्स, गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक फॉर सिक्स, ओके? उसके बाद रिलीजियस बुक के बाद हमने पढ़ा था हिस्ट्री बुक के बारे में, ठीक है? जो हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक? सो हिस्ट्री बुक के बारे में क्या पढ़ा था? हिस्ट्री बुक से क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री बुक का? हिस्ट्री बुक का बेसिक इंपॉर्टेंस ये है कि दिस बुक टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट. ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है या फिर पहले की चीजों के बारे में बताती है, ठीक है? सो पास्ट के बारे में बताने के की बात अगर चल रही है तो इसमें पास्ट में क्या क्या बता सकती है? पास्ट में जो पहली चीज बताएगी वो क्या है? टाइप ऑफ पीपल, ठीक है? कैसे, किस तरह के लोग उस टाइम रहते थे, ठीक है? उसके बाद बताएगी लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, ठीक है? उस टाइम पे जो लोग रहते थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ठीक है? वो लोग कैसे रहते थे, खाते कैसे थे, क्या पहनते थे. दीज ऑल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम दिस बुक, ओके? सो पास्ट में क्या क्या चीजें थी, कौन सी बुक बताती है? हिस्ट्री की बुक, ठीक? हिस्ट्री बुक के बाद हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री बुक के बाद हमने पढ़ा था नॉलेज बुक्स के बारे में, ठीक है? बताया जाएगा कल की वीडियो में. हिस्ट्री बुक के बाद नॉलेज बुक्स के बारे में, ठीक है? नॉलेज बुक्स के बारे में क्या क्या बताई गई थी, जो हमें अपने कंट्री के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में जानकारियां देती है, ठीक है? कंट्री के बारे में जानकारी कैसी हो सकती है? सबसे पहली चीज होती है कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, कंट्री में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब चीजों के बारे में जो हमें जानकारी देती है उसको नॉलेज बुक कहते हैं. अपनी कंट्री के बारे में नहीं, जो बुक पूरे वर्ल्ड के बारे में भी जानकारी दे या किसी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में भी जानकारी देती है उसको क्या कहते हैं? नॉलेज बुक्स, ठीक है? ये पढ़े थे, ठीक है? बुक्स की इंपॉर्टेंस खत्म होने के बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरियल्स. ब्यूरियल्स की का मतलब होता क्या, ठीक है? ब्यूरियल्स में जाने से पहले बुक्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है? वो ये थी वेदास, ठीक है? वेदास आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट एंशिएंट बुक्स ऑफ हिंदुइज्म. हिंदू धर्म की सबसे पुरानी किताबों में वेदास को माना जाता है, ठीक है? वेदास कितने टाइप्स के हैं? चार टाइप के, ठीक है? फोर टाइप्स. पहला ऋग्वेद, ठीक है? ऋग्वेद. दूसरा सामवेद. तीसरा है यजुर्वेद.
ठीक है, ऋग्वेद चार में यजुर्वेद अथर्ववेद, अथर्ववेद ठीक है, ठीक है, ये चार मेगा को कंसिडरेशन किया जाता है हिंदू धर्म की सबसे होले बुक्स या सबसे एंशिएंट बुक के बारे में, ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है, बुक्स में। इसके बाद आती है ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स क्या होता है, ठीक है, ब्यूरियल्स का मतलब क्या होता है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स क्या होते हैं, ब्यूरियल्स आर द प्लेसेस वेयर डेड पीपल आर बरीड, डेड पीपल आर बरीड का मतलब जहां मरे लोगों को दफनाया जाता है और क्रीमेट किया जाता है, क्रीमेट का मतलब होता है दफनाना, ठीक है, दोनों सिनोनिम में यूज होते, सिनोनिम का मतलब द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, ठीक है, सो ब्यूरियल और क्रेमेटोरियम इज द सिमिलर वर्ड एंड द प्लेस वेयर dead people are buried, ठीक है, buried का मतलब क्या होता है, दफनाना, ठीक है, the place where dead people are buried are known as burials, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद हमने burials में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था कि burials से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, so burials से सबसे पहली चीज ये पता चलता है who was buried, ठीक है, Who was buried? किसको दफनाया गया, ठीक है, ये पता चला कि किसको दफनाया गया था, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या पता चलेगा, लाइफ, ठीक है, फैमिली, ये सब चीजें पता चल जाती है, ठीक। दूसरी चीज when he was buried, ठीक, When he was buried का मतलब क्या होता है? Burials में सबसे पहले पता चलता है कि कौन दफनाया गया है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज जो पता चलती है वो होती है कब दफनाया गया, ठीक है? When he was buried, ठीक? थर्ड चीज जो पता चलती है, time period when he was बरी, ठीक है, किस कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, कौन सा ईयर चल रहा था जब इसको दफनाया गया था या बरी किया गया, ठीक है, सो इसके बाद हमें और क्या क्या चीजें पता चलती है, इसके बाद ये पता चलता है लाइफ स्टाइल व्हेन ही वाज बरी, ठीक है, लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि कौन सी परंपरा का पालन वो करते थे, ठीक है, कौन सी परंपरा का मतलब ये होता है कि किस तरह के रिचुअल्स को फॉलो करके, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके इसको दफनाया गया, ठीक है, सो लाइफस्टाइल व्हेन ही वाज बरीड, आफ्टर इट वी गेट टू नो अबाउट फैमिली और द डायनेस्टी He belonged to, ठीक है, belonged to, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी दफनाया गया है, ठीक है, और the man who is buried, उसकी फैमिली क्या थी, उसका खानदान क्या था, ठीक है, ये कैसे पता चलता है, ये पता ऐसे चलता है कि जिसने दफनाया होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उनके नाम को और डेथ के ईयर को लिख देता है, ठीक है, सो बाय नेम बाय द सरनेम वी कैन इजीली डिटरमाइन Which family he was from, ठीक है? ये किस family से था, किस dynasty से belong करता था, ठीक? ये हो गई चार पांच चीजें जो burial से पता चलती है। Burials important क्यों? ये बहुत बड़ा question है कि why burials are important? To know the history. Burial से हमें ये पता चलता है कि हमारे ancient time में या फिर जो पुराना समय बीत गया, ठीक है? उस time में कौन-कौन इस अर्थ पे आया था, ठीक है? So, जब वो आया था तो कौन कौन सी परंपराएं चल रही थी, ठीक है, कौन कौन से रिचुअल्स को फॉलो करके वो दफनाया गया, ठीक, और क्या लाइफस्टाइल था उस टाइम के पीपल का जब वो मरा, ठीक है, वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, सो
अब इसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरियल, ठीक है। अब ब्यूरियल्स की बात करते हैं तो ब्यूरियल किस किस रिलीजन में किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले रिलीजन आता है मुस्लिम, दूसरा रिलीजन आता है क्रिश्चियन, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक इजिप्ट, ठीक है, अगर हम इजिप्ट जैसे कंट्रीज की बात करते हैं तो द पीपल ऑफ दैट कंट्री, इजिप्ट के लोग अपने डेड रिमेन्स को या फिर अपने डेड पीपल को दे क्रीमेट देम बाय अप्लाइंग स्ट्राइप्स ऑफ कॉटन, ठीक है, मतलब कि दे फॉर्म द डेड रिमेन्स एज ममी, ठीक है, वो अपने मरे हुए लोगों को ममी बनाकर प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। प्रिजर्व करने का मतलब क्या है, प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि उस डेड बॉडी को प्रॉपरली रख देते हैं, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो या फिर वो डिकम्पोज ना हो, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोज, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब ये होता है व्हेन अ बॉडी इज बरीड इन सॉइल, ठीक है, जब उसको मिट्टी में दफनाया जाता है, ठीक है। सो बॉडी स्टार्ट्स टू लीव द ऑर्गन्स, मतलब कि बॉडी अपने शरीर से जो रिमेन्स होते हैं जैसे कि चमड़ी हो गई, ठीक है, ऑर्गन्स हो गए शरीर के, वो डिकम्पोज यानी कि खत्म होना शुरू हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक है। तो सड़ने के साथ साथ दे स्टार्ट टू मिक्स विद सॉइल, वो मिट्टी में मिलने लगते हैं, ठीक है। बट द स्केलेटन रिमेन्स एज इट वॉज व्हेन बरीड, ठीक है। स्केलेटन जो होता है या हड्डियां जो होती है वो हमेशा वैसी ही रहती है, ठीक है। सो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या था, इजिप्ट में भी लोग इसको रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको बता सके कि आने वाली पीढ़ी को कि हमारे पूर्वज कौन थे, ठीक है। दे कीप दैट डेड बॉडीज जस्ट टू कीप एज अ नॉलेज, गिव एज अ नॉलेज टू देयर कमिंग जनरेशंस, ठीक है। सो वो क्या करते हैं कि बेसिकली स्लेव रखते हैं उसको, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, वो जान सके कि उनसे पहले कौन लोग इस कंट्री में जन्मे थे, ठीक है, उनकी डायनेस्टी में आए, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेम ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। सो अगर फर्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट गिव्स the knowledge about dynasties, not dynasties, dynasty he belonged to, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरियल से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि जो मरा है या फिर जिसको दफनाया गया है उसका खानदान क्या था, वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। सेकंड थिंग इज इट गिव्स द नॉलेज अबाउट एरा when he was buried, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो era यानी कि time period की भी information मिलती है इससे कि जिस time पे इसको दफनाया गया था उस समय कौन सा समय चल रहा था, ठीक है। What was the year, what was the time, what was the dynasty that ruled in a particular place where he was buried, ठीक है, वो किस टाइम से बिलोंग करता था, ठीक है, और कौन से राज्य कौन सा खानदान उस टाइम पे राज्य करता था, ठीक। ये है दूसरा इंपॉर्टेंस, ठीक है। तीसरा और जो बेसिक इंपॉर्टेंस इसका है वो ये है कि द थर्ड इंपॉर्टेंस इज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about the rituals by which he was
बरीड, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो रिचुअल्स का इंफॉर्मेशन देती है। रिचुअल्स का मतलब नियमों का जानकारी देती है जिसके जिसकी थ्रू उन्हें दफनाया जाए। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक थ्री इंपॉर्टेंस दैट वाज रिगार्डिंग टू ब्यूरियल। ठीक है, अब वापस आते हैं बुक्स पे। ये बात हो गई कल की, ये चीजें कल पढ़ा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बुक्स। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट बुक्स। ठीक, बुक्स की बात हमें करनी है। ठीक, तो बुक्स में सबसे पहली चीज क्या आती है? बुक्स के बारे में बात होती है तो सबसे पहले ये चीज आती है कि बुक्स का लैंग्वेज क्या है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज लैंग्वेज ऑफ बुक। ठीक है, बुक की लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है, सो लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज इंडिया में बहुत सारी बोली जाती है। ठीक है, सो आफ्टर बुक्स व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, सो इंडिया has numerous languages. Numerous का मतलब क्या होता है? Numerous का मतलब है बहुत सारे। ठीक है, तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका यूज किया जाता है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, जब हम लैंग्वेजेस के स्टार्टिंग की बात करते हैं, सो कहां से लैंग्वेज की स्टार्टिंग हुई, कहां से आया ये वर्ड लैंग्वेज। ठीक है, भाषा जो वर्ड है ये कहां से डिफाइन किया गया, कैसे ये लैंग्वेजेस इंडिया में आई। ठीक है, सो इंडिया की लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे हिंदी है, संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, बहुत सारी लैंग्वेज, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, बट द प्लेस द थिंग दैट फ्रॉम विच दीज लैंग्वेजेस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये सारे लैंग्वेजेस जहां से आई हैं उनके सोर्स पे चलते हैं। ठीक है, कि कैसे ये सारी डिराइव की गई। ठीक है, जितनी हिंदी से रिलेटेड लैंग्वेजेस है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर बात करते हैं असामीज, हिंदी, कश्मीरी, ठीक है, असामीज, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ठीक है, एंड बंगाली। ठीक है, इन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये संस्कृत से ही डिराइव हुई है। ठीक है, संस्कृत से डिराइव करने का मतलब क्या होता है, इनकी जो मदर लैंग्वेज है, ठीक है, जहां से इनको बोलना स्टार्ट किया गया था वो संस्कृत थी। ठीक है, सो दीज लैंग्वेजेस है Been derived from, derived का मतलब होता है किसी में से निकाली गई। ठीक है, derived from संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से कैसे निकली है सारी भाषाएं, ये भी तो सोचने वाली बात है। जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक इनका जहां से बर्थ हुआ था इन लैंग्वेजेस का, ठीक है, वो कैसे संस्कृत में से इन सारे लैंग्वेजेस को अलग अलग कैटेगराइज किया गया, ये कश्मीरी है, असामीज है, हिंदी है, सिंधी है, बंगाली है। ठीक है, सो बेसिकली कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि डायलेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम संस्कृत की बात करें या हिंदी की बात करें तो कई सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका बोलने का तरीका और मीनिंग सेम हुआ करता था। ठीक है, हिंदी में मात्र, अगर संस्कृत में मात्र कहते हैं उसका मतलब होता है माँ। ठीक है, इंग्लिश में मदर कहते हैं उसका मतलब माँ। देखो सब एम का वर्ड सारा है, माँ, मात्र। ठीक है, हिंदी में माँ हो गया, संस्कृत में मात्र हो गया और इंग्लिश में मदर है, तीनों में एम वर्ड यूज हुआ, सो तीनों में दैट इज व्हाई ये संस्कृत से इजीली डिराइव हुआ। ठीक है, डिराइव होने का सेंस कहां से आया, क्योंकि द ट्रांसलेशन और द अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन वर सिमिलर इन सम लैंग्वेज। ठीक है, मीनिंग और जो अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन था वो सेम था, इसलिए संस्कृत से ये सारी लैंग्वेजेस निकाली गई। ठीक,
बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो संस्कृत में और हिंदी बंगाली इन सब में उनका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सेम है, सिमिलर है, ठीक। तो सेम सिमिलर का मतलब क्या होगा कि एक ही वर्ड के सब में एक ही जैसे प्रोनाउंसिएशन है और सबका मीनिंग एक ही है। सो दैट इज व्हाई यू कैन से संस्कृत इज द मदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ठीक। मदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस का मतलब दीज लैंग्वेजेस हैज बीन डिराइव्ड और या फिर संस्कृत में से ही इनको निकाला गया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब निकाल लेना, ठीक। सो आफ्टर दिस ये हो गई संस्कृत की चाइल्ड लैंग्वेज, यानी चाइल्ड लैंग्वेज का मतलब इनका बर्थ संस्कृत से हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एशियन लैंग्वेजेस। एशिया जानते हो क्या? एशिया इज अ कॉन्टिनेंट एंड द लैंग्वेजेस दैट इज स्पोकन इन दिस कॉन्टिनेंट इज नोन एज एशियन लैंग्वेज, ठीक है। तो एशियन लैंग्वेजेस में बहुत सारी आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि पर्शियन, पर्शियन आ जाएगी एशियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। पर्शियन और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो इससे आती है, ठीक है। सो इनका डेरिवेशन कैसे हुआ अब ये हमें जानना है, ठीक है। सो एशियन लैंग्वेजेस लाइक पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज का मतलब यूरोपियन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? और यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट, ठीक है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप, ठीक है। सो यूरोप में भी यूरोप कॉन्टिनेंट की जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। सो यूरोपियन लैंग्वेज कौन कौन सी हो जाएंगे? फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, स्पैनिश, फ्रेंच स्पैनिश और एग्जांपल फ्रेंच स्पैनिश ग्रीक, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस भी इन्हीं फैमिलीज में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये भी संस्कृत से ही डिराइव्ड है, ठीक है। बेसिकली ये सारी एक जैसी लैंग्वेजेस हैं, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दीस लैंग्वेजेस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, ठीक है। संस्कृत से डिराइव किया हुआ इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। सो इसके बाद एक और लैंग्वेज है इटालियन, ठीक है, इटालियन भी लैंग्वेज, ठीक। ये सारी लैंग्वेजेस एक ही फैमिली में आती हैं बिकॉज़ दीज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, ठीक है, इन्हें संस्कृत से निचोड़ा गया है या डिराइव किया है, ठीक। दीज लैंग्वेजेस आर बेसिकली फॉलोइंग द सेम फैमिली, ठीक है, दीज आर फ्रॉम सिमिलर फैमिली बिकॉज दे ऑल हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और डिराइव फ्रॉम वन मदर लैंग्वेज दैट इज संस्कृत। सो हाउ वी कैन से दैट दीज ऑल लैंग्वेजेस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये संस्कृत से निकली है? क्योंकि अभी इसका कारण मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, इसका बेसिक रीजन ये है दे ऑल हैव वर्ड्स इन कॉमन, उनके बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसे सुना सुनने में आते हैं, ठीक है। एक जैसे सुनने में आने का मतलब क्या है कि अगर फ्रेंच में कोई एक वर्ड है, ठीक है, और स्पेनिश में, ग्रीक में, जर्मन में, इटालियन में और संस्कृत में है, ठीक है, इधर देखो संस्कृत में है, सो सबकी मीनिंग, सबका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही होगा, उसकी मीनिंग भी एक ही होगी, ठीक है। इंग्लिश तो इसमें आएंगे, इंग्लिश की बात भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक। एक एग्जांपल देते हैं, इफ अ वर्ड इज मात्र इन संस्कृत, ठीक है, मात्र का मतलब होता है मदर, ठीक है, मात्र संस्कृत में है, ठीक है,
हिंदी में माँ हो गया, ठीक है, इंग्लिश में मदर, ये तीनों के प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दीज आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ सिमिलर फैमिली, ठीक है, ये सारी एक ही फैमिली से, एक ही परिवार से बिलोंग करती हैं। इनको एक फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन मीनिंग है वो कॉमन होती है, ठीक। सो अभी क्या क्या पढ़ा है, अभी ये समझ में आया कि लैंग्वेजेस कितने टाइप की हैं और लैंग्वेजेस को फैमिली क्यों कहते हैं, ठीक। ये फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं, इनके जो मीनिंग है वो कॉमन होता है, ठीक है, समझ में आया। सो आफ्टर दिस व्हेन वी टॉक अबाउट अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के लैंग्वेजेस की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट है इंडिया के, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं इंडिया के, मतलब देखो तमिल, ये सारे लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, मलयालम, मराठी कहाँ आती है भाई, मराठी वेस्ट में, महाराष्ट्र वेस्ट में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जब ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो इनको द्रविडियन फैमिली कहते हैं। द्रविडियन ये वर्ड कहां से आया है, पढ़े हो कभी ये द्रविडियन, हैं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, यानी कि तुम पिछले लेक्चर्स में दे रहे ध्यान से, द्रविडियन इज अ लैंग्वेज विच वॉज, सो these all languages belong to the Dravidian family. Dravidian family मतलब कि ये जिस राज्य में बोली जाती है वहां पे सबसे पहले Dravidian बोली जाती है, ठीक है। और Dravidian का वर्ड कहां सुना गया है, Dravidian was the official language in Harappan civilization, okay. So the states that had a very great evidences of Harappan civilization had this Dravidian language as their official language, and after it Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, these all languages have been derived from Dravidian language, ठीक है। जैसे इंडिया में हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सारी चीजें संस्कृत से डिराइव की गई थी, वैसे ही ये सारे लैंग्वेजेस द्रविडियन फैमिली की कही जाती है, ठीक है। आफ्टर दिस व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हम भारत के मध्य भाग की बात करें, ठीक है, तो बीच में क्या है, भारत दिल्ली है, सेंट्रल इंडिया में क्या क्या है, दिल्ली है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट में आता है ना ये उत्तर प्रदेश, so that is why we can say the languages that are spoken in Jharkhand and central parts of India belong to Austroasiatic family, Austroasiatic family, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया की लैंग्वेजेस को मिला करके इन स्टेट्स की लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, इसीलिए इनको ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का कहते हैं, ठीक। और जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, ठीक है, ये जो साउथ इंडिया है, ठीक है, ये तमिल, तेलुगु वाला साउथ है, ठीक है, इस बार नया आया ना, साउथ इंडिया में ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, साउथ इंडिया में क्या आता है, तमिलनाडु, चेन्नई है ना, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे ये लैंग्वेजेस बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, ये द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करती है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आता है, झारखंड का नॉर्थ ईस्ट में है मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। सो इन एरियाज में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो टिब्बटो बर्मन फैमिली की, ठीक है, कहाँ की है, टिब्बटो बर्मन फैमिली की है,
So we can say it belongs to Tibeto-Burman family. चलो अब हम तुमको बताते हैं बेसिकली टिबेटो ब्राह्मण और ऑस्ट्रो एशियाटिक और ये जो द्रविड़ियन फैमिली है ये फैमिलीज को कही जाती है ठीक है और इनका मतलब आया कहां से कि ये ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गई वो टिबेटो ब्राह्मण हो गई ठीक है इसका मतलब क्या है ठीक है तो इसका बेसिक मतलब ये है कि जो लैंग्वेजेस उस टाइम पे या जो एंशिएंट टाइम्स में तिब्बत और बर्मा बर्मा कहां पे है बर्मा बांग्लादेश में है ठीक है सो बांग्लादेश उस समय एक अलग कंट्री नहीं थी ठीक है इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम ठीक है सो तिब्बत और बर्मा की जो लैंग्वेजेस हैं उनको मिला करके कुछ नई लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन किया गया ठीक है जो आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती है ठीक है सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाने का मतलब क्या है कि वो जो लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन हुआ था वो किसका यूज करके हुआ था इस तिब्बत और बर्मन की जो लैंग्वेज थी उसको मिला के किया गया ठीक है मिलाया कैसे गया जो कॉमन वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स को सिमिलर कर दिया गया और एक नया वर्ड का फॉर्मेशन किया गया जो ऑफिशियल कर दिया ठीक अगर हम बात करते हैं मदर और मातृ और माँ की भी बात कर रहे हैं ठीक है तो अगर इन दोनों से एक लैंग्वेज बनानी हो नई वाली ठीक है तो मात्र और मां को एक में मिला करके एक नए वर्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और उसका मतलब भी मदर ही होगा ठीक है सो उससे एक नई लैंग्वेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक सो बेसिकली तिब्बतो बर्मन या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक का मतलब यही है कि द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन झारखंड एंड सेंट्रल सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि जो लैंग्वेजेस ऑस्ट्रेलिया और एशिया में बोली जाती थी उस टाइम पे उन दोनों को मिक्स किया गया एक नई लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन किया गया एंड दैट आर यूज्ड इन दीस पार्ट्स ऑफ इंडिया ठीक है भारत देश में उसका यूज होने लगा कैसे होने लगा दो लैंग्वेजेस को मिलाने पे कई नई लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन हुआ व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली क्यों कहा गया ऑस्ट्रो एशियाटिक क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और एशिया की लैंग्वेजेस को मिलाया गया था या कंपाइल किया गया ठीक ये बात समझ में आ गई तिब्बत और बर्मा क्यों कहा गया क्योंकि तिब्बत और बर्मा की लैंग्वेजेस को मिला के नई लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन किया गया था इस वजह से ये तिब्बतो बर्मन ठीक है तिब्बत क्या है इट इज अ कंट्री दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना ठीक है चाइना के कंट्रोल में तिब्बत है जो पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था ठीक है सो उसकी लैंग्वेजेस को और बर्मा की लैंग्वेजेस को मिला करके नए लैंग्वेजेस का निर्माण किया गया जिसको तिब्बतो बर्मन फैमिली का कहा गया ठीक फिर आते हैं द्रविडियन फैमिली ठीक है सो हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि 250 से 300 characters का यूज करके वो लोग अपने अल्फाबेट्स को बनाते थे ठीक है ये चीजें मैंने बताई है ठीक है सो बताने में ये चीज पता चली कि द्रविडियन में 250 से 300 characters थे ठीक है 250 से 300 characters का यूज द्रविडियन लैंग्वेज में किया गया ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन बट आफ्टर दैट द साउथ और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक चेन्नई तमिलनाडु ठीक है सो दीस पार्ट्स ऑफ इंडिया यूज द्रविडियन लैंग्वेजेस टू फॉर्म न्यू लैंग्वेज मतलब कि द्रविडियन लैंग्वेज का यूज करके इन्होंने नए लैंग्वेज का फॉर्मेशन किया नई भाषा बनाई ठीक जिसका जिससे ये सारी भाषाएं निकली जैसे तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ठीक है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो द्रविड़ियन लैंग्वेज से निकाले गए बट बेसिकली किसको कंसीडर किया जाता है जो बेसिक पार्ट्स में बोले जाते हैं इतनी बातें समझ में आई ये हो गई लैंग्वेजेस की हिस्ट्री ठीक दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नोन एज हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस ठीक है इसको लैंग्वेजेस की हिस्ट्री कहा जाता है ठीक इसके बाद जानते हैं कि जो हमारी रिलीजियस बुक है ठीक है जितनी भी रिलीजियस बुक्स हम पढ़ते हैं या हमारे रिलीजन में बोली जाती है ठीक है उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चला ठीक है उसके बाद बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस थे उनका डिस्कशन हम करेंगे ठीक सो लेट अस स्टार्ट हाउ पीपल गॉट टू नो अबाउट religious
बुक्स, ठीक है, धार्मिक किताबों ग्रंथों के बारे में लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट ऋग्वेद, ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, सो फर्स्टली कंसीडरिंग ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद की कंसीडरेशन लेके चलते हैं, ठीक है, इतना बड़ा लिखेगा ना वीडियो में। सो व्हेन वी आर कंसीडरिंग ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की जब बात चलती है सबसे पहले ये चीज सामने आती है कि ऋग्वेद पहले लिखा नहीं गया था, ठीक है, इट वॉज फर्स्टली स्पोकन, ठीक है, वो पहले बोला गया था, ठीक है, जो भी whoever was the writer of Rigveda, he only spoken the Rigveda or the conversation of Rigveda. जो भी चीजें ऋग्वेद में आज के डेट में लिखी गई है वो किसी ने पहले खाली बोली थी, ठीक है, बोलने के बाद, और दूसरा जो आदमी था, जो सेकंड पर्सन था, उसने उसको पढ़ा नहीं था, उसने बोलने वाले के मुंह से सुना, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ऋग्वेद वॉज स्पोकन नॉट रिटन, ठीक है, इट वॉज स्पोकन, आफ्टर दैट इट वॉज नॉट रेड, इट वॉज हर्ड बाय समवन एल्स, ठीक है, पहले बोला गया, ठीक है, बोलने के बाद किसी ने उनकी बोलने की भाषा जो थी या फिर वो जो बोल रहे थे ऋग्वेद के बारे में उसको किसी ने सुना, ठीक है। सुनने के बाद क्या हुआ, इसके कई हजार सालों, कई सौ सालों के बाद इसको लिखा गया, ठीक है, इसके बाद इसको लिखा गया रोल, ठीक है। फर्स्टली इट वॉज स्पोकन अराउंड 3500 ईयर्स अगो, ठीक है, आफ्टर दैट इट वॉज हर्ड बाय समवन, ठीक है, हु वाज लिसनिंग टू द स्पीकर, ठीक है, जो कि बोलने वाले को सुन रहा था, ठीक। उसके बाद सेंचुरीज लेटर इट वॉज रोट बाय समवन, रिटन बाय समवन, ठीक। और इसके भी बाद करीब 200 सालों के बाद, आफ्टर 200 ईयर्स इट वॉज पब्लिश्ड, ठीक है, ये जनता की नजर में आया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पहले के जमाने में जो लोग थे उनके पास लिखने के कोई साधन नहीं था, ठीक है, दे यूज द वैदिक संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द संस्कृत दैट वी आर लर्निंग और स्टडीइंग इन आवर क्लासेस एंड द वैदिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है और संस्कृत हम पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, उसकी लिखावट, उसकी पढ़ावट जो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक। सो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में पहले किसी ने बोला, ठीक, उसके बाद इसको किसी ने सुना, ठीक, सुनने के बाद इसने अपने हिसाब से इसको लिखा, ठीक है, और लिखने के बाद इसको अलग अलग भाषाओं में और जो बाद में आने वाली लैंग्वेजेस थी उसमें पब्लिश किया गया ताकि वो आम जनता तक पहुंच सके, ठीक है, गॉट इट, समझ में आया कि पहले बोला गया, फिर सुना गया, फिर लिखा गया, फिर पब्लिश किया गया, ठीक। तो ये थी ऋग्वेद की कहानी, ठीक है, कि ऐसे लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जाना या जो भी रिलीजियस बुक चली उसके बारे में जाना, ठीक। सो सबसे पहले तो ये वाला चीज खत्म होता है, ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि ऋग्वेद के बारे में साइंटिस्ट ने या एस्ट्रोलॉजिस्ट हुए थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं, नहीं, एस्ट्रोलॉजिस्ट आर द पीपल दैट कवर द एविडेंसेस और दे कलेक्ट द एविडेंसेस ऑफ रिमेन्स या पास्ट में जो चीजें थी उनकी चीजों को इकट्ठा करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि ये कितने साल पुराना है या कितने टाइम पहले ये बना था, ठीक। सो वापस आते हैं, ठीक है, सो हाउ एस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, यानी पुरातत्व विभाग के अधिकारी जो है, ठीक है, वो ऋग्वेद के बारे में कैसे जानते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। सो इस सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि उन्होंने ऋग्वेद के रिमेन्स को कलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद समराइज किया कि बेसिकली ऋग्वेद में लिखा क्या है, ठीक है, मतलब कि फर्स्टली इन वी टॉक अबाउट द स्टेप्स, फर्स्टली दे कलेक्टेड द रिमेन्स या एविडेंसेस, जो भी
ऋग्वेद के बारे में एविडेंसेस मिले थे, ठीक है, या फिर जो भी चीजें लिखी हुई मिली थी, ठीक है, अभी बीच में करीब 10-20 साल पहले, ठीक है, जब एविडेंसेस मिलने लगे थे 10-20 साल पहले और पहले, ठीक है, if we consider about the first evidence that was found about Rigved, ठीक है, it was a birch of tree, मतलब कि पेड़ की जो पेड़ का जो तना होता है उस तने को काट के उस पर ऋग्वेद के मंत्रों को लिखा गया, ठीक है, so astrologist को मिला झारखंड से, ठीक है, झारखंड से मिला और उन्होंने उसको क्या किया, पढ़ा, उसको जानने की कोशिश की कि इसमें लिखा गया, ठीक है, ऐसे और सारे एविडेंसेस मिले और सारी चीजें मिली, ठीक है, जिनको इकट्ठा करके एक जानकारी बनाई गई कि ऋग्वेद में ये लिखा, ठीक है, उसकी जानकारी मिली। आफ्टर इट दे स्टार्टेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऋग्वेद, ठीक है, और पुराने पुराने ऋषि मुनियों से जाकर उन्होंने और सारी चीजें पूछी कि व्हाट इज द मेन बेस ऑन व्हिच ऋग्वेद वाज रिटन, ठीक। सो ऋग्वेद की राइटिंग के बाद क्या हुआ कि उसको समराइज किया गया कि बेसिक टीचिंग ऑफ ऋग्वेद क्या है, ठीक, फिर उसको एक बुक का फॉर्मेशन दे दिया गया जो आज हमें मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। सो बेसिकली क्या हुआ कि ऋग्वेद की जब खोज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सो ऋग्वेद के लिए पहले क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि पता चल रहा है ना कि पहले किसी ने बोला, किसी ने सुना, उसके बाद किसी और ने लिखा, किसी और ने उसको पब्लिश कराया, ठीक है, सो बेसिकली कैसे हुआ, जो बोलने वाला था वो बोल के चला गया, आफ्टर इट जो सुनने वाला था उसने अपने हिसाब से सुना, ठीक, फिर किसी ने उसको लिखा, ठीक है, एंड आफ्टर राइटिंग इट इट वाज पब्लिश्ड, हाउ इट वाज पब्लिश्ड, इट वाज पब्लिश्ड बाय एस्ट्रोलॉजिस्ट, मतलब कि जब एस्ट्रोलॉजिस्ट उसके रिमेनिंग चीजों को या उसके पढ़ाए हुए चीजों को खोजने लगे, उसके बारे में तहकीकात की, उन्होंने जानकारियां इकट्ठा की, सो आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन दे केम ऑन टू अ रिजल्ट दैट दीज वर द टीचिंग्स ऑफ ऋग्वेद एंड दे पब्लिश्ड अ बुक दैट वी गेट इन मार्केट, ठीक है, आज की डेट में मार्केट में जो ऋग्वेद मिलता है वो एक्चुअल नहीं है, वो एक्चुअल ऋग्वेद नहीं है जो कि महर्षि वेद व्यास ने लिखा, ठीक है, ऐसा नहीं कि महर्षि वेद व्यास किताब में लिखे और उसके बाद किताब गए अपने शिष्य को लो बेटा आया करके बांट दे, ऐसा नहीं हुआ, दे स्टार्टेड स्पीकिंग, ऋग्वेद व्यास ने उसको बोला था, ठीक है, फिर उनके शिष्यों ने सुना, ठीक है, शिष्यों ने सुना, उसके बाद किसी एक शिष्य ने उसको लिखा, ठीक है, लिखने के बाद वो तो उनकी पीढ़ी खत्म हो गई, ठीक है, खत्म होने के बाद व्हेन एस्ट्रोलॉजिस्ट गॉट द एविडेंस, ठीक है, जब एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग खोजे लगे पुरातत्व विभाग के लोग खोजे, ठीक है, तो उन्हें टीचिंग्स मिली पुराने जमाने की, ठीक है, जब मिली तो उसके बारे में उन्होंने जानकारियां इकट्ठा की, ठीक, उसको कलेक्ट किया, उसको उसकी टीचिंग्स को बारीकी से पढ़ा जाना, उसके बाद से उसको एक नए बुक का पब्लिकेशन कर दिया, यानी कि ये पब्लिशिंग वाला जो स्टेज था ऋग्वेद का वो चलने लगा, ठीक, समझ में आ गई। सो अगर इस पब्लिशिंग की बात करें, ठीक है, सो इस चीजों में ऋग्वेद में हमें क्या क्या मिला था, क्या क्या एस्ट्रोलॉजिस्ट ने खोज की थी, ठीक है, what was the information that they collected to publish Rigveda was कि क्या-क्या उनको चीजें मिली, कैसे वो जाने कि Rigveda की टीचिंग कैसे-कैसे है, ठीक है, so the first thing that was written in Rigveda was hymens, ठीक है, hymens, second thing conversations and the third thing was teachings, ठीक है, ये तीन चीजें ऐसी मिली थी ऋग्वेद में, हाइमंस और एक और कैटेगरी में लो प्रेयर, ठीक है, सो बेसिकली ये चार कैटेगरीज ऐसी थी जो ऋग्वेद के टीचिंग्स में मिली, इन चार कैटेगरीज में ही ऋग्वेद को लिखा गया था पुराने जमाने में, ठीक है, हाइमंस का मतलब होता है शॉर्ट प्रेयर, छोटी छोटी जो प्रेयर्स होती हैं 4-5 लाइन की, उनको हाइमंस कहते हैं, ठीक है, और हाइमंस का एक और मीनिंग होता है जो भजन कीर्तन गाते हैं, ठीक है, भगवान को मनाने के लिए लोग भजन कीर्तन करते हैं ना, सो दैट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन दिस कैटेगरी, ठीक है, हाइमंस की कैटेगरी में उन भजनों को भी रखा जाता है, ठीक, आफ्टर दैट
ऋग्वेदा कंसिस्टेड कन्वर्सेशंस, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत, वार्तालाप, ठीक है। उस टाइम पे जो गॉड्स में या फिर पीपल ऑफ अर्थ एंड गॉड्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, जिस टाइप की भी कन्वर्सेशन उस टाइम पे हुई थी उसको कैटेगराइज इसमें किया गया, ठीक है। तो बेसिकली विश्वामित्र जो ऋषि थे, ठीक है, दो नदियां थी, ठीक है, उनके बीच की कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा मात्रा में ऋग्वेद में लिखा गया है, ठीक है, कि कैसे उन्होंने दो नदियों को बुलाया था, वो उन्होंने कहा था कि आप धरती पे आकर के धरती में पानी की कमी को पूरा कीजिए, ठीक है। सो द कन्वर्सेशन कैटेगरी ऑफ ऋग्वेद कम्स अंडर द कन्वर्सेशन ऑफ गॉड, ठीक है, एंड द गुरुज ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदू धर्म के जो गुरु थे उनके कन्वर्सेशन के बारे में इसमें लिखा हुआ, ठीक है। टीचिंग्स क्या थी है, टीचिंग्स का मतलब ये उन्होंने क्या सिखाया था ऋग्वेद, ठीक है, क्या वे ऑफ लाइफ सिखाया था, ठीक है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ऋग्वेद पढ़ने से, वो चीजें मिलती है ऋग्वेद, ठीक। तीसरी अरे चौथी चीज प्रेयर्स, प्रेयर्स का मतलब कौन से भगवान की पूजा कैसे की जाती है, ठीक है, कौन से भगवान को कैसे प्रेज किया जाता है, ठीक है, हाउ अ गॉड इज प्रे वर्शिप, दैट आर्ट वॉज ऑल्सो रिटन इन ऋग्वेद। सो दीज फोर कैटेगरीज विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल, ठीक है, अगली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज फोर वर द कैटेगरीज दैट वर बेसिकली रिटन इन ऋग्वेद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज please put that queries into the comment section. I will definitely answer all the queries in the next video. So let us write the homework for today. So today's homework for class 6 is list the languages you have heard of and identify the families to which they belong, ठीक है, जैसे कि मैंने कई सारे families का discussion किया था, ठीक है, Austroasiatic, Tibetan, Burman, ठीक है, Dravidian, so इसी तरह के languages के बारे में आपको पता करना है कि आपने कौन से languages के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और वो languages किस category में आती है, किस family में belong करती है, this you have to find out. So thank you for watching.